नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम आ पहुंचे हैं कटनी, कटनी का चुनावी जायका लेने। वैसे तो कटनी का पहचान इसी जंक्शन के नाम से होती है, लेकिन कटनी के लोगों के मन में क्या, 2018 में यहां चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के संदीप जायसवाल यहां से चुनाव जीत गए। मिथिलेश जैन को हार का सामना करना पड़ा, पर निगम के चुनाव में तस्वीर बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की बागी प्रत्याशी चुनाव जीत गई। तो 23 में क्या होगा, तो चलिए आज समझते हैं और लेते हैं कटनी का चुनावी जायका। मध्य प्रदेश की कटनी विधानसभा की पहचान मुड़वारा के नाम से होती है। इस विधानसभा का मिजाज बदलता रहा है। 2018 में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी संदीप जायसवाल ने चुनाव जीता और कांग्रेस के मिथिलेश जैन को हार का सामना करना पड़ा। अब तैयारी 2023 की है, लेकिन लोगों के मन में क्या है, तो सबसे पहले हम सुभाष चौक जा पहुंचे, जहां 70 साल की सिंघाड़े बेचने वाली अम्मा है जो इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक की बात करती हैं और बात ही बात में 2023 का मिजाज भी बताती हैं। अकेले यही नहीं, यहाँ हर उम्र के लोग खुलकर बात करते हैं। यही अम्मा, कितना काम मिल जाता दिन भर? कबाऊ बेटा 100 मिल जाते, कबाऊ 60-70 मिल जाते मंजूरी, और आंखों से नहीं दिखा तो बेटा। सरकार तो दे रही ना पैसा, नहीं 100 रुपया में का होत बेटा, 100 रुपया कहाँ है दे रहा हो, अब वो ही नहीं मिलाते। अनाज मिलता है? अनाज हाँ, 4 किलो, 5-5 किलो एक आदमी हो। हाँ, हम 4 जनों बेटा, 20 किलो मिला थे 4 जनों, तो 5-5 किलो ने कहा ए, मिल रहा है। हाँ, क्या मिलता है? गेहूँ मिला, चावल मिला, हाँ नॉन मिला, हाँ एक एक पैकेट नॉन को मिला। हाँ, अच्छा मुख्यमंत्री को जानते हैं आप, शिवराज सिंह को? हाँ जाना थे। कैसे आदमी? तो सही है, सही है, बहुत सही है। वो तो इतना सही आदमी है, कैसो अब हल्ला न करो बेटा हारो। हाँ अब के आ है सो कह अम्मा या सिकेत बूढ़ी अम्मा जो को मदद करा था वो कहा तो बेटा आज हमारो के 1,000 बांध बंधवा देवे तो फिर का है नहीं है बेटा। अच्छा, ये वो कमल वाले अच्छा काम करते कि पंजाब वाले बेटा? अब बेटा बेटा कमल वाले ने करो, कमल वाले ने देखो सड़कें बंधवाई सर। हाँ रे, कमल वाले ने नहीं बंधवाई है, हाँ इंदिरा गांधी के राज से। तो देखो बेटा लेन से गेहूँ मिलाते, मट्टी को तेल मिलातू, भर भर टुकना शक्कर मिलाती और तेल मिलातू इंदिरा गांधी। हाँ इंदिरा गांधी के राज में। देखा इंदिरा गांधी को आप? इंदिरा गांधी को देखा? अच्छा, इंदिरा गांधी अच्छी है कि मोदी मोदी अच्छे हैं? बेटा इंदिरा गांधी भी सही आती और मोदी भी सही है। देखो जब इंदिरा गांधी ने होती तो मोदी कहाँ से बन जाते, बुराई ने मानियो बेटा। हाँ उन्हें से बेचारी ने जुंडी पट की, भूखो नहीं मरंदा हुआ इंदिरा गांधी ने। नहीं कौन जीतेगा, मोदी की राहुल? मोदी। क्या है अम्मा मोदी में ऐसा? उन्हें जब से जीतो है ना बेटा मोदी, उन्हें देखो इतने इतने गुड़ खबरते गिलाज में पानी बरसा, तो उन्हें कंचन बरसवा दो, दवाई फ्री बड़ी अस्पताल में है, लड़कों की पढ़ाई फ्री, फीस लगती तो बाफी माँ पूछ जा रही, सब कराव जा रहा हो। बरस गया कंचन, यानी आप समझते ना, साफ सफाई इतनी हो गई है कि कंचन बरस गया। लेकिन आप देखिए कि यही कमाल है। सर आप यहीं रहते कटनी में, कितना आपका कटनी कितना बदल गया, पहले से काम धाम हुआ? पहले से तो बहुत तरक्की हुई है। हाँ पहले से तो बहुत तरक्की हुई, अच्छा काम हुआ है और भी काम होते जा रहे हैं। यहाँ अभी नगर निगम के चुनाव हुए तो निर्दलीय जीत गई जी। तो अब यदि 2023 में चुनाव होते तो क्या क्या लगता है कौन ठीक काम करेगा? ये तो क्या है, जनता के ऊपर है, जनता ही सब कुछ है। आप ही जनता है? जी हम भी जनता ही हैं, आपके सामने खड़े हैं जनता ही हैं। लेकिन उम्मीद तो ये है कि
शहर का विकास होना चाहिए जी। पार्टी कोई भी आए इससे कोई मतलब नहीं, शहर के विकास का मामला है वो होना चाहिए। और हम अपनी जो महापौर अभी हुई हैं उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा से अच्छा काम करें, और आने वाला जो भी हो वो अच्छा से अच्छा काम करें। आपके विधायक यहाँ जायसवाल जी कैसा काम? जायसवाल जी का काम तो ठीक है, लेकिन अब वो फील्ड में उतना नहीं दिखते। फील्ड में नहीं दिखते? हाँ, फील्ड में उतना नहीं दिखते। ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फील्ड में थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, ये उसकी कमी है। ये विधानसभा शहरी के साथ साथ ग्रामीण भी है। लोग छोटे छोटे कामों से अपना घर चलाते हैं। यहाँ के कमानी गेट के पास हर वर्ग के लोगों से बात करने पर मैदानी हकीकत सामने आ जाती है। इतना बुरा हाल होते जा रहा है ना कि क्या बताऊं। खाली है, आने वाले समय में ना क्या होने वाला है, ये जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह में ना पकौड़े और समोसे की दुकानें लगने वाली है। जो हम लोग इतना पढ़े लिख रहे हैं ना, कोई मतलब का नहीं है। हाँ। कोई मतलब नहीं रह जाएगा ये सबका। बस ये देख, आप कटनी की बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा पीछे है विकास के मामले में, इतना ज़्यादा पीछे कि कुछ कहने को है ही नहीं। सिर्फ कटनी में 3 रोड है, कमानिया गेट से अजाक चौक 1, मिसिंग चौक से अजाक चौक 2, और जगन्नाथ चौराहा से जगन्नाथ चौराहा क्या बोलते हैं ओवर ब्रिज तक, बस 3 रोड है। लेकिन आप रोडों की हालत देखोगे ना, बिल्कुल जर्जर। इतनी सकरी रोड है यहाँ कटनी शहर की कि एक तो अगर कार निकल जाए ना तो जाम लग जाता है। ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर, ये कोई विकास है? 15 साल इन्होंने तैयार रख लिया ना 2023 का, इनको मुझे पता है 2023 में बीजेपी को अगर आना है तो बस एक तो कटनी नदी का जो पुल बन गया वो दिखाएंगे और फिर बना लेंगे सरकार। और क्या, ठीक है, बड़ी खुल के बात करते हैं और अपने ही अंदाज में अभिषेक बोलते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आलू कचौड़ी समोसे बेचते सब नजर आएंगे। रोजगार की दिक्कत है ना? बहुत ज्यादा रोजगार की दिक्कत है, और यहाँ तो चाबी की दिक्कत हो गई, गाड़ी की चाबी उलझ गई, और ये भाई साहब यहाँ दुकान है तो यहाँ चाबी बनाई जाती। क्या आप चाबी बना रहे हैं या आपकी गाड़ी है? बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे अंदाज से इसमें लगा के। हाँ, लगा के। हाँ। कितना पैसे लेते? 50 रुपए। राजू, ये राजू भाई है, ताला बनाते मतलब चाबी बनाते, हर ताले की चाबी इनके हाथ में है। अच्छा, इस बार चुनाव की चाबी किसके हाथ में होगी? कांग्रेस के हाथ में, बीजेपी के हाथ में? अब जापान नहीं बता सकते। नहीं, सब अपनी अपनी जगह सब सही है। कटनी नगर निगम चुनाव के बाद से खूब चर्चा में आई, जब यहां से कांग्रेस बीजेपी को छोड़ जनता ने बीजेपी की बागी को महापौर बना दिया, और इस जीत के बाद 2023 की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। बदलाव तो अभी कुछ नहीं है कटनी में। हम लोगों को एक धरोहर मिली है सिर्फ, वो पुल, सागर पुल जो मिला है बस। अच्छा। और कुछ भी नहीं है, कटनी का कुछ विकास नहीं हुआ है। अब बदल क्या गया, जो चल ही रहा है जैसा भी है अभी तो फिलहाल। अब जो भी आगे भगवान, जो अभी आगे सरकार करे इसके लिए, व्याह के विषय में जो है तो अभी ऐसे चल रहा है, कोई खास नहीं है। व्यापार नहीं है, महंगाई तो चल ही रही है सबको मालूम। तब उसके बाद भी लोग जो है तो आज भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ऐसा क्या ये समझ में नहीं आया? मजबूरी है, मजबूरी है, कोई नेता नहीं है अच्छा, विकल्प लोगों के पास है नहीं है। कुल मिला के मोदी जी के नाम पे वोट आ रहा है सिर्फ, क्या बोल रहे हैं? और आने वाला समय भी बीजेपी को आना है। रोजगार है नहीं है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, और विकल्प कुछ है नहीं है। तो इस बार सरकार को परिवर्तन होना चाहिए, 20 साल हो गए। ये लोग कह रहे हैं फिर मोदी का चेहरा लेकिन काम करेगा क्या? देखो, विकल्प नहीं है, आदमी के दिमाग में मोदी जी छाए हुए हैं, इसलिए एक मजबूरी बस नहीं है इसीलिए। और नगर निगम में यहाँ से आपने निर्दलीय को जिता दिया, ये विकल्प था इसलिए निर्दलीय को जिताया। बहुत बढ़िया बात की, जहाँ विकल्प मिलेगा वहाँ आदमी वोट डालेगा। दिख रहा है बड़ी अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कोई विकल्प नहीं है, जहाँ विकल्प है वहाँ सब कुछ है। और उसका उदाहरण है, यहाँ जब नगर निगम के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी से जो बागी हुई थी वो यहाँ से चुनाव जीत गई। कटनी में रोजगार के साधन कुछ ज्यादा नहीं है, मेहनत कस लोग रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं। लोग सुबह से काम की तलाश में चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों से सरकार की योजना और रोजगार पर जब बात की तो चुनावी मिजाज भी मिल गया।
क्यों ये क्या खेल रहे हो? टाइम पास काम धंधा नहीं तो बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। काम आएगा तो चले जाएंगे। काम क्या मिलता है यहाँ? मल्लेदारी करते हैं, कुछ भी काम मिलता है वो करते हैं। सरकार की तरफ से जो योजनाओं का लाभ मिलता है वो मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। अनाज सरकार वो तो मिलता है, अनाज भर मिलता है, वो कहाँ मिलता है? प्रधानमंत्री आवास, हाँ वो मिला है। मजदूरी पूरी कहाँ मिलती है? जो सरकारी रेट है तो कहाँ मिलता है? मेहनत मजदूरी और क्या है यहाँ? कुछ रोजगार के कोई साधन है? भाव जी रोजगार यही है कि अब जिनके हर रोजगार कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो बस बैठे से घूम, कोई काम नहीं है, वही मजदूरी मेहनत है। कैसे चलता है काम? अब क्या है, वही 2 बजे 9 घंटे खुलता है और जो रात में गाड़ी आ गई तो जो मिल गया नहीं, दिन भर बैठे हैं। बीजेपी जीतेगी कांग्रेस? बाबूजी बीजेपी कौन सी पार्टी जीतेगी? भाजपा ही आएगी। भाजपा क्यों? इतना वही योग कर रहे हैं ना, वो चल रहे हैं, वजनदारी वही है सब। और कांग्रेस अभी नहीं है तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, पूछता नहीं है कांग्रेस को। रही तो अच्छा ही चल रहा था, हर चीज महंगाई भी नहीं रही, सस्ता ही रही। चुनाव में क्या होगा? चुनाव वही है, चाहे ये पार्टी जीते चाहे ये पार्टी, हम लोग का खाना तो वही है। महंगाई तो वही हम लोग का खाना तो वही है। जीतेगी कौन सी यदि चुनाव? कौन जीते, अब तो हम तो बराबर समझे, चाहे ये पार्टी जीते चाहे ये पार्टी, हम लोग का सब समस्या वही है। बात चुनावी जायके की करने निकले थे, लेकिन यहाँ के समोसे और जलेबी का जायका जरा अलग होता है, खासकर चटनी के तो क्या कहने। हमने जायके के साथ चुनावी जायका भी लिया। आप देखिए गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही है यहाँ, और जायका चुनाव का है लेकिन जायका जलेबी का है। क्या लेने आया बेटा बताओ? जलेबी। जलेबी जलेबी अच्छी लगते हैं कि समोसे? जलेबी। अच्छा ये बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन है? बताइए नरेंद्र मोदी। 2023 के चुनाव में सर कांग्रेस आनी चाहिए, बिल्कुल। अब क्या बताऊँ, मोदी जी के चक्कर में सर पूरा व्यस्त व्यस्त है पूरा काम धाम। अच्छा चलो जी, कांग्रेस आएगी इस बार यार निगम में तो आपने नेता नहीं जता दिया था, क्या करें फिर? क्या होगा 23 में, कितना बदला ये शहर? शहर तो कुछ भी नहीं बदला है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ शहर में। आज भी मेन रोड में सब्जी मंडी लगती है, जिसका हम व्यापारियों को मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ से आवागमन में, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी, ना तो सीएम हेल्पलाइन में और ना ही कि कोई नेता सुनता है। मतलब यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है शहर में। विकास तो नाम पे तो अभी कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है विकास पे तो। हाँ आज भी वही जाम की स्थिति निर्मित है, सब पैसा ही है जैसा 10 साल पहले था। अभी इस टाइप 23 में क्या होगा? इस बार 23 में कुछ नहीं, बदलाव होगा और क्या होगा, बदलाव दिखाई दे रही रहा है, क्योंकि कुछ नहीं सुधार हो रहा है यहाँ। नगर निगम के द्वारा तो और बिल्कुल ही काम नहीं हो रहे हैं। निगम में तो अभी निर्दलीय जीत गए हैं। हाँ जब इसी का तो रीजन था ना कि निर्दलीय जीता, क्योंकि विकास नहीं हो रहा, आदमी किस पार्टी को देगा? क्या होगा भाई साहब, समोसे बड़े अच्छे हैं आपके बहुत। जी स्पेशल समोसे बनते हैं बेसन वाले आज के दिन, और इसके साथ सूखी वाली चटनी बनती है, ये सूखी वाली चटनी बनती है, ये स्पेशल चटनी रहती है, आप थोड़ी टेस्ट कर लीजिए। चटनी है ये जी, बहुत अलग चटनी, का क्या मिला के बनाते हैं? इसमें अदरक धनिया मिर्ची और नींबू और बेसन का चूरा बनता है इसका। हाँ उसको कूट के छानना पड़ता है, इसमें खूब मेहनत लगती है, एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है इसकी, ये चटनी बनानी जी। और समोसे? समोसे से ज़्यादा कास्टली रहती है चटनी, ये चटनी जो है समोसों से ज़्यादा कास्टली रहती है। नहीं चुनावी जाएगा क्या होगा, और चुनाव 2023 का जब आएगा तो कमल काम करेगा या पंजा? नहीं अभी तो मोदी है, मोदी राज चल रहा है, और आने वाले अगले इलेक्शन 24 में भी मोदी जी की आने की 90% संभावना है। मोदी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई सहनी नहीं है जो उनको टक्कर दे पाए, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष बहुत कमजोर है, उनमें एकता नहीं है। राहुल जी है तो वो उतने एक्टिव नहीं है।
चाय का यहाँ चटनी का है, चुनाव का है। मैंने भी समोसा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन यहाँ की चटनी मैंने चेक की है। चटनी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा खिलाई। बहुत अलग तरह का समोसा है इसमें। ये बेसन की चटनी, ये चटनी का है कि बेसन की? बेसन में बेसन मिलता, ये इसी बेसन से चटनी बनी है और इसी का समोसा बना। अच्छा, बेसन से समोसा बनता है? हाँ। यहाँ इंडिया में ऐसा समोसा और ऐसी चटनी कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको इस दुकान में कटनी में मिलेगी। इंडिया का ये पहला स्थान है ऐसा ये कह रहे हैं। ये समोसे के भीतर बेसन होता है, बेसन पर बेसन की चटनी, ये पहली बार देखने को मिला। तो हम तो निकले थे चुनावी जायका लेने, हमें समोसा और चटनी का जायका भी मिल गया, लेकिन कटनी का चुनावी जायका बहुत अलग है। बहुत बढ़िया जायका, मज़ा आ गया। बर्थडे पार्टी है, समोसा है, जलेबी है और सब कुछ है, लेकिन हम ये जायका तो ले ही रहे हैं, पर हम तो निकले चुनावी जायका लेने। कटनी का चुनावी जायका 2023 में कैसा होगा? कितना बदला आपका कटनी? कुछ भी नहीं बदला। हाँ। वैसा का वैसा ही है। 23 में क्या होगा? 23 में तो क्या पता क्या होगा, बीजेपी कांग्रेस का सपा साठ है। अरे फिर भी आप कह रहे कुछ नहीं बदला और फिर भी बीजेपी बदलना क्या है, कुछ बदलता थोड़ी, कोई कुछ काम को थोड़ी करता है। अच्छा, बीजेपी को क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दिखाई दे, बीजेपी क्यों दिखाई दे रही है? तो लोग अच्छे हैं बीजेपी में, इसलिए बीजेपी दिखाई दे रही है। मोदी का चेहरा? हाँ, मोदी का तो है। चुनाव क्या सिर्फ मोदी के चेहरे के आधार पर होते? नहीं नहीं, बीजेपी काम भी कर रही है। आज मिशन चौक का जो ब्रिज बना दिया, LNT का नया ब्रिज बन रहा है, ये सब बीजेपी के चक्कर में हो रहा था। जब कांग्रेस थी ये सब कहाँ था? निगम ने निर्दलीय जिता दिया यहाँ, वो सब अपना अपना है। कहानी है सर जी, वो एक कहानी है, वो सुलझ नहीं सकती, नहीं सुलझ पाएगी, वो नहीं सुलझ पाएगी। जब ये कहानी सुलझेगी नहीं तो फिर बीजेपी उलझ जाएगी 2023 में? नहीं उलझेगी, नहीं उलझेगी, चुनाव में सब एक हो जाएगी, वो सब एक हो जाएंगे। समय के साथ सब बदल गया है। एक जमाना था जब जमीन पर बैठकर लोग पंगत खाते थे। पंगत में इस्तेमाल होने वाले पत्तों के दोनों पत्तल भी अब लोग भूल गए हैं, लेकिन देसी संस्कृति के इस खूबसूरत हिस्से को यहाँ आज भी सहेज कर रखा गया है। ये दोनों पत्तल अभी भी यहाँ चलन में है। धीरे धीरे कर अब हम दूसरी तरफ चले गए, ये पत्ते से बनने वाली दोने या पत्तल भूल गए, लेकिन कटनी में जब आप पहुँचते हैं तो इसके आसपास पूरा एक क्षेत्र है जो आदिवासी अंचल में आता है, जहाँ जहाँ चीज़ें मिल जाती है। और आप देखिए आज भी वही सब चीज़ें दिखाई दे रही। ये भाई साहब कब से बना रहे हैं? ये 50 साल से बना रहे हैं भैया। बिक जाता है, लोग खरीदते? अब हो गया, लगाते हैं, कुछ बिका कुछ नहीं बिका, सूख जाते हैं, बेकार चले जाते हैं। कितने में बेचते हैं? हो गया 60-70 रुपए सौ बेचते हैं। पत्तल दोने बनते हैं और आज भी। अच्छा, सरकार कौन सा काम अच्छी ठीक करती है, वो कमल वाली की पंजे वाली? तो कहा बताऊँ कौन सी अच्छी है, सभी सही है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो राशन मिल रहा है? आप नहीं, राशन ही कार्ड नहीं बना रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा राशन? क्यों रद्द हो जाता है? 4-5 बार फार्म भरा है, रद्द हो जाता है हमेशा। आयुष्मान कार्ड बन गया? हाँ, आयुष्मान कार्ड बन गया। चलिए, इनका आयुष्मान कार्ड बन गया है, लेकिन आज भी यहाँ पत्तल दोने दिखाई देते हैं और ये चीज़ें धीरे धीरे कर बंद हो गई, पर गाँव में आते हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, वो सब चीज़ें दिखाई देने लग। कटनी में चुनावी समीकरण अब बदले बदले से हैं। दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। किसी को अपने काम पर विश्वास है तो कोई सरकार की नाकामियों को गिनाकर जीतने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कटनी विधानसभा के लिए वादे किए थे कि पूरी सड़कें बन जाएंगी, बाईपास बन जाएगा, अस्पताल का विकास हो जाएगा, तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, अवैध कॉलोनियाँ अवैध हो जाएंगी, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। शहर की सड़कें आज टूटी पूरी फूटी हालात में हैं। लमतरा का ब्रिज टूट गया, कटनी नदी का पुल नहीं बन पाया, लोगों को आवागमन के साधन नहीं मिल रहे हैं, बाईपास नहीं है, जो बसें चलना चाहिए यातायात व्यवस्था के लिए सिटी बस, वो आज तक चल नहीं पाई है, ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग का काम नहीं हो पाया है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जितने वादे आपने किए वो कोई वादा तो पूरा नहीं हुआ, धरातल में दिख रहा है। जनता जानती है इस बात को कि आज ना ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट हुआ, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई विकास नहीं है, अस्पताल की व्यवस्थाएं चौपट हैं, तो डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज़ कटनी में नहीं हुई, ये बिल्कुल सच है।
आपको जितना समय जनता ने दिया था आपने उसमें क्या किया ये ज़्यादा महत्व रखता है, उसी से आपका भविष्य तय होता है। जा इसी प्रकार खेल मैदान के लिए भी आज फॉरेस्टर प्लेग्राउंड के लिए 10 करोड़ की टेंडर होकर उसमें से 6 करोड़ रुपए के टेंडर हो गए, 4 करोड़ के और लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रो टर्फ बन रहा हॉकी के, उसके लिए क्रिकेट का मैदान बन रहा है और मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है जिसमें बैडमिंटन की कोर्ट रहेंगी 3, टेबल टेनिस की कोर्ट रहेंगी 3। और आज के ज़माने में जहाँ ज़मीन मिलना संभव नहीं है, बरगवा में एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन स्वीकृत हो गई 18 एकड़ की, जिसमें बहुत बड़े एक मैदान की हमारी कल्पना है और भविष्य में वो कल्पना साकार होगी, ऐसी ईश्वर की कृपा रही तो आप बहुत जल्दी देखेंगे। देखिए कुछ काम जो मेरी निगाह में रह गए थे उसमें से एक पेपरौन से निवार सड़क, उस सड़क को 1-2 करोड़ में भी बनाया जा सकता था लेकिन हैवी ट्रैफिक के कारण वो फिर उखड़ जाती, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसमें भी सफलता मिली है, 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी बाईपास की एक योजना बनाई, चाहे वो घंघरी कला का बाईपास हो, चाहे कन्वारा का बाईपास हो, चाहे निवार का बाईपास, सब जगह 2-2, 3-3 करोड़ रुपए, कहीं 1.5 करोड़ रुपए, कहीं 4-4 करोड़ रुपए की राशि से बाईपास की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। टेंडर होकर वर्क ऑर्डर हो गए, बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी होना है। बहुत से काम अभी और मन में हैं और प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ लेकिन करना भी है। 2023 के चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, सियासी सरगर्मी यहाँ बड़ी है लेकिन मिजाज कुछ अलग है। कब से कर रहे? मुझे हो गए यहाँ 17 साल बैठते। यही काम करते हैं? पैसा निकल जाता? जी निकल हो जाता है। पहले कितने पॉलिश करते थे? पहले हम 10 से चालू किए हैं हमने तो। 10 रुपए से? जी। और अब 20 रुपए लेते हैं। बस 10 ही बढ़ा। और क्या है? जी सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है? लाभ क्या है, बस यही है कि गल्ला मिल जाता है और क्या है, बस हो गया। गल्ला भी क्या मिलता है, एक आदमी को 2 किलो गेहूँ देता है और चावल बढ़ा के देता है, चावल आदमी कहाँ तक खाएगा? चावल ही चावल खिला रहे? चावल देता है बढ़ा के। 17 किलो मेरे को गेहूँ मिलता है, एक आदमी को 2 किलो गेहूँ मिलता है, 2 किलो एक महीने आदमी खा लेगा क्या? चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में क्या है, राजनीति तो उन्हीं की चल रही है, पूरी सरकार तो उन्हीं के कब्जे में, कौन जाएगा? किसकी चलेगी अब किसकी चलेगी? क्या बता दें अब किसकी चलेगी? कांग्रेस तो अब आने वाली नहीं है, अब इतनी जल्दी टाइम लगेगा। कांग्रेस क्यों नहीं आने वाली? कांग्रेस में दमदार पार्टियां ही नहीं है, कहां से आ जाएगी? पूरी पूरी सरकार उन्हीं की चल रही है, हर चीज उन्हीं का है, पूरी सरकार में हर एक इंसान उसी में बैठा है, भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आएगी? एक भाई साहब यहाँ खड़े बड़े खुश हो गए, कह रहे कि इन्होंने जैसे ही कहा कि सरकार उनकी है मोदी की, तो मोदी के कारण वोट मिलेगा या शिवराज के कारण? मोदी के कारण मिलेगा। अच्छा जी, मोदी में ऐसा क्या है? अब योजना है, नाम उसी का चमक रहा है। चलिए राजेश से जूते पर पॉलिश का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं और बड़ा खुलकर बोलते हैं, सब अनाज मिल रहा है लेकिन कब तक चावल खाएंगे? सिर्फ गेहूँ मिल रहे हैं, 2 किलो गेहूं और 4 किलो चावल में से 2 किलो चावल, लेकिन कई बार चावल ज़्यादा मिल जाते हैं, अब कब तक आदमी चावल खाएगा? तो सरकार यदि राशन मुफ्त दे रही है तो इनकी बातें भी सुन लें। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि चावल ही चावल, तो गेहूं कहाँ गया? गेहूं तो कह रहे हैं कि कई बार सड़ता हुआ दिखता है, तो अनाज किसानों को दे दीजिए। पर तमाम तरह की बातें होती है लेकिन बात जाकर मोदी पर रुक जाती है, और जहां बात मोदी पर रुकेगी तो फिर 2023 की तस्वीर भी समझ आएगी, आखिर 23 में होगा क्या, कहीं और चलेंगे? और लेते हैं चुनावी जायका। आशीष और मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।